दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज व्हाइट हाउस ओपनली विद इंडिया। क्या बात है, व्हाइट हाउस तो देखो पहले से इंडिया के साथ ही है। अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, पहले से साथ है। मतलब मोदी सरकार थी उसके पहले से अमेरिका का साथ मिला, बट लेकिन उसमें थोड़े बहुत इश्यू चल रहे थे अमेरिका के साथ, बट पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका के साथ। लेकिन अभी जिस हिसाब से खुल के सामने आ रहा है अमेरिका, उस हिसाब से तो कहीं ना कहीं अमेरिका अच्छी तरह से इंडिया के साथ घुल मिल के रहना चाहता है, क्योंकि उसको पता चल गया है इंडियन मार्केट का पावर। तो चलिए पहले वीडियो देखते। वीडियो देखने से पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विवाद पर कनाडा के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का बयान सामने आया है, जिसमें माइकल रूबिन ने साफ तौर पर कहा है कि कनाडा के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है। निज्जर आतंकवादी था जिस हरदीप सिंह निज्जर वाज नॉट सिंपली अ प्लंबर एनी मोर देन उसामा बिन लादेन। रिसेंटली वी आर गोना चूज इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो आई थिंक हैज मेड अ ह्यूज मिस्टेक। तो जमाल खशोगी सऊदी अरब का एक डिसिडेंट जर्नलिस्ट था, वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करता था, वाशिंगटन में रहता था, उसको तुर्की में मार दिया। क्या कर लिया है सऊदी अरब का? किसी ने भी कुछ नहीं किया। तो देखिए, दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। ये लूडो में अगर वाकई में दम है तो इंडियंस को निकाल के दिखाना अपने मुल्क से। मैं चाहता हूँ करे, वो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो करेगा ना तो उसको सालाना $4.5 billion का लॉस है सिर्फ इंडियन स्टूडेंट से। तो हजम नहीं हो रहा ना कि इंडिया ऊपर जा रहा है, ठीक है, उनसे तो हजम नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई वो इशू उठाएंगे कोई ना कोई, मगर अब इंडिया को फर्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं है। ये छोटे मोटे पटाखों से इंडिया का कुछ भी नहीं होता। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई इंडिया हमारे से रिलेशन ना खत्म करो, हमारे से ट्रेड को कंटिन्यू रखो, क्योंकि दुनिया अगर आप हमारे से रिलेशन खराब करेंगे तो दुनिया भी हमारे से रिलेशन नहीं रखेगी। इंडिया अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है और कनाडा इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कनाडा के अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो वो इतने बदतर हैं कि मतलब पाकिस्तान से थोड़े से बेहतर हैं। मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ। हमें भी हमारे मुल्क भी चाहते हैं ना, हमारे मुल्क के लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी चले जाएं। यहाँ पे रुकना कोई भी नहीं चाहता, यहाँ पे सिर्फ वो रुके हैं जो बाहर जा नहीं सकते। अब रिलेशन बेहतर होने चाहिए इंडिया के साथ। हमारे तो कभी बेहतर हो ही नहीं सकते, जब से 70 साल हो गए हैं कभी बेहतर नहीं हो सकते। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले समय समय पे भी अपडेट किया कि अमेरिका इस मुद्दे पे भारत का पक्षधर ज्यादा दिख रहा है, उसी सेंस में पेंटागन यानी अमेरिका रक्षा विभाग का जो मुख्यालय आप लोग कह लो पेंटागन माना जाता है, वहीं से उनके एक अधिकारी का बयान आया है माइकल रूबल का। उनका कहना है कि भारत वर्सेस कनाडा विवाद में भारत कनाडा से कहीं आगे नजर आ रहा है, क्योंकि कनाडा ने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। और जो निज्जर था जिसके खिलाफ भारत में आज से कई साल पहले हत्या के आरोप चल रहे हो, तो वो किसी भी देश का हो, फिर उसको अगर किसी ने मारा है तो वो गलत नहीं है। और वैसे भी भारत की खुफिया एजेंसी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला है, तो जो बुनियाद लगाए गए हैं कनाडा की तरफ से वो बिल्कुल बेबुनियाद है। पहली बात तो भारत की इन्वॉल्वमेंट उसके मर्डर में है नहीं, और दूसरी बात वो भारत का कुख्यात आतंकवादी था जिसके खिलाफ मर्डर तक के चार्जेस हैं। और अगर किसी भी बंदे के खिलाफ मर्डर के चार्जेस किसी भी देश में है तो वो किसी भी देश का नागरिक हो उसको सजा देना का हक बनता है। तो दोस्तों, ये साफ साफ कहना है माइकल रूबल का, जो कि पेंटागन के एक अधिकारी है। दोस्तों, इसको लेके कनाडा में भारी टेंशन हो गई कि यूएसए लगातार भारत के पक्ष में बना। शहजाद साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि किस तरह भारत इसराइल की पॉलिसियां इसराइल को कॉपी कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, लेकिन कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज ये मामला क्यों अहम हुआ? दो बातें हैं। एक तो आप ये देखिए कि हरदीप सिंह कनाडा का शहरी था, सिर्फ कनाडा का शहरी था, भारत दोहरी शहरियत की इजाजत नहीं देता। कल महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया, कल आनंद महिंद्रा ने कर दिया कि हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है कनाडा में, हम सारी इन्वेस्टमेंट को खत्म करके वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट खत्म कर रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, एक कंपनी आई है, इंडिया में ऐसी हजारों कंपनियां वो इन्वेस्टमेंट बाहर निकालेंगी। इंडियन गवर्नमेंट जो इम्पोर्ट करती है, थोड़ा बहुत जो भी इम्पोर्ट करती है, वो इम्पोर्ट्स भी खत्म होंगे कनाडा के। इसकी अकल ठिकाने लगानी है जस्टिन ट्रूडो को। सीधी सी बात है, देखो अब ये मिशन है जस्टिन ट्रूडो को, दोबारा सियासत में नहीं आना चाहिए कनाडा। ये इंडिया का मिशन ये है, जड़ से ही इस खानदान को ही निकाल दो दूसरे मुल्क के। तो आप इंडिया की पावर फर्म वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर परिवारवाद को खत्म नहीं कर रहे, गांधी परिवार, स्टालिन परिवार, तो केसीआर परिवार, तो ये परिवार, वो परिवार, वो कनाडा के भी परिवारवाद को खत्म करेंगे, पॉलिटिकल डायनेस्टीज को। ट्रूडो वापस नहीं आना चाहिए।
इसको इतना रेलेवेंट बना दो कि ये कनाडा में कहीं पे ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो भी कॉर्पोरेटर भी ना लग सके। कनाडा की अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक डैमेज हो रही है इंडिया के साथ लड़ाई मोल लेने की वजह से, क्या कहेंगे आप इस पर? उसकी बड़ी सिंपल सी वजह यह है कि कनाडा बेसिकली आबाद ही इंडियंस ने किया हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं और उनको वो वोट भी कास्ट करते हैं, तो वो जो इंडियंस हैं वो अपने मुल्क के की खातर वोटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। अदरवाइज जब लेकिन वो अपने आई थिंक फोर्थ टाइम इलेक्ट हुआ है, ये मुझे इसका आइडिया नहीं है। आपको पता है कि थर्ड और फोर्थ टाइम वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, तो आप इससे उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कोई सोशल मीडिया सर्वे या आज इस खबर के बाद जो पॉपुलैरिटी अप डाउन होना मैटर नहीं करती उसके लिए। आपको पता है कि वहाँ कैनेडियंस जो हैं वो ये वोटिंग कर रहे हैं कि 50 सालों में ये उनके वर्स्ट तीन प्राइम मिनिस्टर हैं कैनेडियन के, इंडियन कैनेडियन, डेट्स द पॉइंट। मैं तो मुझे ये लगता है कि ये इंडियन कैनेडियन है जो इस बात के ऊपर वोट कर रहे हैं, अगर वो 50% अगेंस्ट जा रहे हैं तो इंडियन वाले ही होंगे, इंडिया की तादाद बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन सर आप ये भी तो देखें कि कैनेडियन भी बहुत बड़ी तादाद में इंडिया जाते हैं, अब उनका इंडिया जाना बंद हो गया है क्योंकि इंडिया ने उनके वीज़ा सस्पेंड कर दिए। ये जिस तरह कनाडा ने अपने मुल्क का एक बंदे की हिफाजत के लिए या उसके कत्ल हो जाने के ऊपर उन्होंने स्टेप लिया है, उसी तरह इंडिया भी खुददार मुल्क है, उन्होंने भी वही सेम अप्रोच के साथ चले हैं कि आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे तो हम अगर फिर आपके बंदों के इधर नहीं आने देंगे। लेकिन सर इंडिया को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इंडिया की पॉपुलैरिटी को डैमेज करने की कोशिश की है, लेकिन उल्टा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो डैमेज हो रही है, सेक्रीफाइस हो रही है। बेसिकली इस सारे सीन के पीछे इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है, हर इवन के चाइना भी चाहता है कि वो इंडिया के साथ तजारत करे, तो हम भी हमारी भी कोशिश है पाकिस्तानियों की भी, क्योंकि इतना बड़ा वो लोग अपनी हर बंदे को पता होता है, लेकिन वो इंडिया के साथ अपनी तजारत बंद ना करने की वजह से छुप कर जाते हैं, उसको डैमेज नहीं करते। अदरवाइज हर एक को पता है इंडिया, ये मोदी का क्या रोल है, पास क्या है इसका, इंडिया में अकलीतों के साथ किस तरह मुजालम ढाए जाते हैं, मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, ये पता हर एक को है। अकलियतें तो फिर पाकिस्तान भी महफूज नहीं है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है आप लोग मानते नहीं है वो एक अलग बात है। ऐसा नहीं है, इधर तो अगर एक दो अगर वाकयात हो भी जाए अकलीतों के हवाले से तो जमाल खशोगी सऊदी अरब का एक डिसिडेंट जर्नलिस्ट था, वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करता था, वाशिंगटन में रहता था, उसको तुर्की में मार दिया, क्या कर लिया सऊदी अरब का? किसी ने भी कुछ नहीं किया। तो देखिए दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है, हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, ये जो है ना कि शायद ये तासुर है कि हम शायद कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमें करना भी नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि दुआ करने बैठ जाएंगे या अल्लाह दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े, शायद ये दुआ हमें सिर्फ करनी चाहिए और ये कर भी सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने दुश्मन खुद हैं, वरना आज ये मौका बुरा नहीं था जो आज इस वक्त इंडिया के ऊपर आया, लेकिन दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है, इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है, तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशियल कूज नहीं होते और वहाँ एक सिस्टम चलता है, 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती है, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भाई एक लीडर है उनका, अब अगले 5 साल भी शायद उसको मिल जाए, तो ये जो 15 साल का एक रन है उसका, इसका इंडिया को तो फायदा हुआ, उसी तरह जिस तरह मनमोहन सिंह के पिछले 10 साल उसने बुनियाद बनाई, असल बुनियाद जो इंडिया की मौजूदा इकोनॉमिक और वर्ल्ड उसमें फोरम पे उसकी जो पजीराई है उसकी बुनियाद तो मनमोहन सिंह ने रखी, और उन 10 सालों में हम अफगानिस्तान की दूसरी जंग लड़ रहे थे, हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। देखिए 71 तक हमारी प्रायोरिटी थी इंडिया के साथ, 71 में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो हमारी प्रायोरिटी कम हो गई। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यूएसए लगातार
सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तानियों, आपको इंडिया की हर एक चीजों से आप जी रहे हो, मतलब आपकी कमाई भी इंडियन से हो रही है, आपका खाना पीना भी इंडियन से हो रहा है, और बातें करो इंडिया कनाडा अमेरिका, भाई आप लोगों की औकात ही नहीं है पहली बात। और बात रही कि भाई इंडिया इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग है, लेकिन कनाडा से बहुत स्ट्रांग है। कनाडा की इकोनॉमी इतनी बड़ी स्ट्रांग, इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसका जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमीज है, इकोनॉमिक उससे थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा है कैनेडन की इकोनॉमी। और जिस हिसाब से जो टूडो साहब कर रहे हैं, तो टूडो साहब आपका करियर खत्म हो चुका है, वो हम हर एक वीडियो में बोल रहे हैं, क्योंकि आपने पंगा किसके साथ लिया है, खास करके हमारे जयशंकर, हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह, हमारे अजीत डोभाल। और डोभाल जी तो है ना ज्यादातर मीडिया में कहीं पे आते नहीं है, वो घर पे बैठे बैठे ऐसे दिमाग चलाते हैं कि मतलब पूरा कैनेडा हिल जाएगा। तो जिस हिसाब से वहां पे कांड हुए कनाडा में और आरोप पे आरोप लगाए, उसके बाद जस्टिन भाई के पास अब कुछ वर्ड्स नहीं है कि अब देश को कैसे बचाया जाए। मोदी जी ने खत्म कर देंगे मेरे कनाडा को, और अभी तो यूएस के अधिकारी भी भारत की तरफ। बट देखो इन लोगों ने जो टूडो है वो अभी पीएम इसीलिए क्योंकि उसको जो वोट है वो वहां पे जो ये खालिस्तानी है और जो वहां पे इंडियन आवाम है उनका वोट है, तब जाके वो पीएम बने हैं। ठीक है, ऐसे ही पीएम नहीं बने हैं वो। अब उनको पता चल गया है कि जैसे जैसे जिस हिसाब से अभी एक्शन ली जा रही है उस हिसाब से अब वोट को क्या कुछ नहीं मिलने वाला उसको। हाँ। तो मतलब इसकी भी सरकार अभी तो टाइम है वहां पे वोटिंग का, लेकिन मेरे को लग रहा है वोटिंग के टाइम के पहले ही कुर्सी चली जाती है, ऐसा ही होने वाला है। और पाकिस्तानियों आपको इंडिया के रिलेटेड अभी बहुत 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 टॉपिक मिलने वाले हैं। लोगों को अभी इंडिया के अगेंस्ट कुछ मिल जाए तो उन लोगों को मजा आ जाता है, मजा आ जाता है। लेकिन अभी टॉपिक के टॉपिक और मिलने वाला है, क्योंकि आपकी रोजी रोटी तो इंडिया के नाम से ही होती है। अभी तो अभी उन अपनी सब चिंताएं भूलकर वो इंडिया की चिंता करने लगे हैं। चिंता खुद की कर लो, पाकिस्तानियों हर एक वीडियो में बोले खुद की देश की चिंता कर लो, इन सारे झमेलों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इतने पहुंचे नहीं है इस लेवल तक। और इसमें बात हुई मनमोहन सिंह की सरकार की भी। हाँ, मनमोहन सिंह की सरकार जब उसका फर्स्ट टर्म था मनमोहन जी का, वो टर्म बहुत ही अच्छा था। बट सेकेंड टर्म में मनमोहन सिंह का पूरा जो कंट्रोल है वो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उसके हाथ में चला गया था। उसके बाद मनमोहन सिंह जी को जो करना था देश के लिए अच्छा काम करने थे वो नहीं कर पाए थे, वो खुद मोदी जी भी मान रहे हैं। और आज तक मोदी जी मनमोहन जी की रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे भाषण मोदी जी के देखे, उसमें कहीं पे भी मोदी जी को मैंने मनमोहन जी का नाम लेते हुए नहीं सुना। हाँ, थोड़ा बहुत तो नॉर्मली कांग्रेस का नाम आता था, वो नॉर्मल तौर पर तो मनमोहन जी का भी नाम आया होगा, लेकिन मनमोहन जी भी जो हमारे पीएम, भूतपूर्व पीएम अब तो है, बट जो उसका कार्यकाल था, जिस हिसाब से पूरे प्रॉपर ये व्यक्तित्व है उसका, वैसा तो किसी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे अर्थशास्त्री भी थे और उसको इकोनॉमिक अर्थशास्त्र बहुत ही बढ़िया तरह से आता था। और मनमोहन सिंह जी के बारे में भी हमारे बच्चे बहुत पढ़े हैं, बहुत ही अच्छे पीएम थे, लेकिन वो मजबूर थे जिस हिसाब से उसके ऊपर पूरा कंट्रोल था। जैसे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उस समय राष्ट्रपति बनाए गए थे, तो मतलब सेकंड टर्म के लिए, मतलब उसके बाद तो उसने क्लियर मनाई कर दिया कि मेरे को इस राजघर में नहीं रहना है। वो फिर से उसके जो काम था साइंस लेवल का उस हिसाब से वो करने लगे थे, तो मतलब वो भी उनके खिलाफ हो गए थे राष्ट्रपति बनने और राष्ट्रपति निवृत्त होने के बाद। तो सरकार ऐसी थी, तो इसलिए मनमोहन सिंह ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी भी मोदी जी को कुछ ना कुछ जरूर पड़ती है, तो मनमोहन सिंह की हेल्प जरूर लेते हैं मोदी जी और उसको अच्छे से मानते हैं। तो भाई आप लोगों को कुछ पता होता नहीं है पाकिस्तानियों, और आप कुछ भी बोलते रहते हो, बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।